समाधि की 8 अवस्थाएं होती हैं। गौतम ने उन सभी अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया था, मगर फिर भी वो जानते थे कि ये जीवन की संपूर्णता नहीं है। उनके अंदर अब भी ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा थी। जब सारे उपाय बेकार हो गए तो उन्होंने अंतिम मार्ग का सहारा लिया, जिसे समाना कहते हैं, कि वो कभी भोजन नहीं मांगते। गौतम ने इस मार्ग को इतनी कठोरता से अपनाया कि वो उस दिशा में नहीं जाते थे जिधर भोजन मिलने की संभावना होती थी, वो बस सीधा चलते थे। एक दिन वो निरांजना नदी के तट पर पहुंचे, जो 2 फुट गहरी एक छोटी सी धारा थी और उसका प्रवाह थोड़ा तेज था। उन्होंने धारा को पार करने की कोशिश की, आधी दूरी पर वो आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। वहां एक पेड़ की टूटी हुई टहनी थी जिसे उन्होंने पकड़ लिया। पता नहीं वो कितनी देर तक वहां खड़े रहे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनकी समस्या ये है कि वो आत्मज्ञान को पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आत्मज्ञान को खुद के साथ घटित होने नहीं दे रहे, वो उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जाकर उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां बैठकर उन्होंने निश्चय किया, मैं यहीं बैठूंगा, या तो मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर लूंगा या यहीं प्राण त्याग दूंगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। और उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त किया।